अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। एम डी केयर प्लस नम सेशन आप लोगों का आगाज़ हो चुका हुआ है कल से। आज आप लोगों का सेकंड डे है। इसी हिसाब से बायोलॉजी की आज जो क्लास है, सेकंड क्लास है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 सेल्स के बारे में, और सेल्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कल ओवरव्यू लिया था सेल्स को किस तरह से देखते हैं, सेल की स्टडी क्या होती है, और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट सेल के अंदर कौन से होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखनी है, वो है सेल की बाउंड्री, आमतौर पर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोगों ने फोकस के साथ जो है ये लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग इसको लेके इसके बारे में जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके मैं जवाब दूंगा, और फिर इसी तरह हम आगे चलेंगे। जो लोग सलाम कर रहे हैं, इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अब हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लें जी, तो टॉपिक है हमारा आज का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन, तीन चीज़ें हम इसकी इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो इसका ट्रांसपोर्ट है। हम ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो सलाम दुआ हो गई है, अब तमाम लोग जो है वो लेक्चर की तरफ फोकस करेंगे। लें जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, सबको पता है। ये एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के बाद आती है। ठीक है, अच्छा जी, पीछे नॉइज आ रहा है, नॉइज देख लेते हैं अभी। लें जी, नॉइज बंद कर दिया, वो छोटे से फैन का नॉइज था, ठीक है, उसको जो है बिल्कुल ही बंद शरीफ कर दे, इंशाल्लाह अब नॉइज नहीं आएगा। चलें जी, सेल मेम्ब्रेन को हमने स्टार्ट किया। सेल मेम्ब्रेन इज जस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, जिसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन में इसकी तीन चीज़ें आती हैं बच्चों, तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ सबको पता है, लिपिड्स हैं, 20-40% जो हैं ये लिपिड्स होते हैं, 20-40% लिपिड्स होते हैं। नंबर टू, थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत थोड़ी अमाउंट में, और ज़्यादा अमाउंट में जो है 60-80% जो है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, 60-80% जो है वो हमें प्रोटीन्स जो है वो मिलती हैं। लिपिड्स 20-40%, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़ी अमाउंट में, बहुत लो, और प्रोटीन मेन जो है वो ये 60-80% होती है। लिपिड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान से नोट कर लें। सबसे मेन लिपिड्स जो मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हेड टेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेड टेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो वाले प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और नंबर टू जो लिपिड्स होते हैं वो स्टीरोल्स होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं, स्टीरोल्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं। कुछ आपको लिपिड्स के साथ जुड़े हुए मिलते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और कुछ जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम ग्लाइको प्रोटीन्स कहते हैं। अलग से कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, वो लिपिड या प्रोटीन में से किसी के साथ जुड़े होते हैं। और लास्ट में बचती है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन दो तरह की होती हैं, पहली प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं, इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है उनको हम इंटीग्रल, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और दूसरी प्रोटीन जो है उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं,
ये नोट कर ले, मैं आपके पूरे टॉपिक को समराइज करके जो है वो लिख रहा हूँ। इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब ये कहाँ पे होती हैं, किस तरह ये हमें मिलती हैं, इन सब को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सेल ड्रॉ करता हूँ। एक सेल ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक सेल है। ये सेल की सपोज करें बाउंड्री है, बल्कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सेल को। ये हमारे पास सेल है, ये सेल है हमारे पास। इस सेल की बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, ये हमारे सेल की बाउंड्री है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल। और ये सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस पड़ा होता है। अब इस बाउंड्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये फ्लूइड होती है और इसके अंदर मोज़ेक पैटर्न होता है। ये किस तरह से होता है, इसको हम जो है वो ये देखते हैं। समवन टॉकिंग, किसी के देखें, वो बोलने की आवाज नहीं है, वो बेसिकली पढ़ाने की आवाज है। साथ वाली क्लास के अंदर भी लेक्चर हो रहा है, उन टीचर्स की आवाज जो है ना बहुत ऊंची है, वो इसलिए यहाँ तक आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि उनकी आवाज जो है वो थोड़ी कम की जाए। बाकी अगर पंखे का इशू नहीं है तो पंखा चला ले, मैं क्यों गर्मी में मर रहा हूँ। नहीं जी, तो पंखे का इशू नहीं था तो पंखा चला लेते हैं। इशू जो है उनका है, तो उनको जो अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी आवाज़ थोड़ी कम कर लें। खैर, हम अपनी मेम्ब्रेन पे चलते हैं। हमें मेम्ब्रेन मिलेंगी इस तरह से। मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर होगी। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ये फॉस्फोलिपिड मैं बना रहा हूँ आपके सामने। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ध्यान से आपने ये देखनी है, ठीक है जी। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर मैंने आपके सामने बनाई। और इसके अंदर जो है ना वो आपको प्रोटीन भी मिल जाएंगे, कुछ इस किस्म की प्रोटीन होंगी, कुछ बाहरी होंगी, कुछ पूरी अंदर तक धंसी हुई होंगी। तो ये प्रोटीन्स वगैरह भी आपको मिलेंगी। अब इस डिटेल स्ट्रक्चर को हम जरा ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। यानी इतने से हिस्से को मैं यहाँ पे बड़ा करके HD में आपके सामने शो करने लगा हूँ। तो आपने ध्यान से देखना कि इस स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लिपिड बाई लेयर। ये लिपिड बाई लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दीज आर द लिपिड बाई लेयर। अब ये बाई लेयर नहीं हुई, अभी ये सिंगल लेयर है। बाई लेयर कैसे होगी वो मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर। ये लिपिड की एक लेयर होगी मेरे बच्चों, चेक करें। और ये लिपिड की दूसरी लेयर है, ये देखें, ये लिपिड की दूसरी लेयर है, ये लिपिड की दूसरी लेयर है। अब ये कंप्लीट हो गई है लिपिड की बाई लेयर, ये लिपिड की कंप्लीट हो गई लिपिड की बाई लेयर। चेक करें जरा इसको, ये लिपिड की बाई लेयर है, लेयर नंबर वन, लेयर नंबर टू। इसके ऊपर जो आपको मिल रहा है ये सेल की आउटसाइड है। इसको आउटसाइड लिखने के बजाय मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। और ये नीचे वाला जो है ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम लिखेंगे इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ओके, अब यहां पे एक MCQ नोट करना है जिससे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि विच साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फेसेस फेस मीन उसकी साइड किस तरफ है, फेसेस द इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट। इसकी ऑप्शन लिखेंगे पहली ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक, दूसरी ऑप्शन है टेल, बीटा ऑप्शन टेल है,
चार्ली ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोफिलिक और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दीज। इस एमसीक्यू को सॉल्व करें और आप इस डायग्राम को देखें कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट सेल के बाहर और सेल के अंदर, ये मैंने दिखा दिया इतने से हिस्से को बड़ा करके। अब आपने देखना है कि कौन सी साइड फेस करती है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को और कौन सी फेस करती है इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को। वेरी गुड, हाइड्रोफिलिक साइड फेस करती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो हेड्स हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये आपने चैप्टर टू में पढ़ा फर्स्ट ईयर के, ये भी हेड है ये भी हाइड्रोफिलिक है। टेल्स जो होती है ना ये वाली, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। टेल्स क्या होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स की हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो ऊपर भी हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, और नीचे वाला हिस्सा भी हाइड्रोफिलिक है। अब इसकी रीजन क्या है? ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल बच्चों बहुत सयाने होते हैं, आप लोगों की तरह सयाने होते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ? उसकी वजह यह है कि इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में पानी होता है। सोल्यूशन है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म एक सोल्यूशन है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सारा कुछ। और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी सोल्यूशन होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर भी पानी है और इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है? पानी मिलता है। सो हाइड्रोफिलिक का मतलब वो हिस्सा है जो पानी को फेस कर रहा है। सो ये इतने चालाक है, इन्होंने अपनी अरेंजमेंट देखें कैसे की है कि ये हाइड्रोफिलिक हिस्से को पानी की तरफ ले आए हैं। पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है। सो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट को पानी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी को अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो कि पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यही वो हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ग्रेडियंट मेंटेन करता है, जो क्या मेंटेन करता है? ग्रेडियंट। सो पहली चीज आपको समझा दी फॉस्फोलिपिड, और इसकी डायरेक्शन भी आपको समझा दी। दूसरी चीज है जी स्टीरोल, स्टीरोल में की एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रॉल भी इन्हीं मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है, वो भी इस तरह हेड टेल पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल लगाया, ये दूसरा मॉलिक्यूल लगाया, ये तीसरा मॉलिक्यूल लगाया, ये अब कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? कोलेस्ट्रॉल इन बायलिपिड्स की लेयर्स को मेंटेन करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन द फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के हैं। सो कोलेस्ट्रॉल भी समझ आ गया आपको कहाँ पे है? बीच में है। अब आपको प्रोटीन समझाते हैं, प्रोटीन कहाँ पर होती हैं? प्रोटीन दो तरह की हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। कुछ प्रोटीन बच्चों इस तरह से आपको मिलती हैं, बड़ी सी प्रोटीन होती है और वो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई होती है। ये पूरी जो प्रोटीन आपको मैंने बना के दी, दिस प्रोटीन इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे धसी हुई होती है। और कुछ प्रोटीन इस तरह से सिर्फ सरफेस पे ही होती है, डीप धसी हुई नहीं होती। जो डीप धसी हुई नहीं होती इनको हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल यानी सरफेस प्रोटीन कहते हैं। देखें ये सिर्फ सरफेस पे है, ये वाली प्रोटीन भी कहां पर है? सिर्फ सरफेस पे है। अगर यहां पे एक प्रोटीन बनाऊं, एक प्रोटीन यहां बना देते हैं, ये प्रोटीन भी पूरी की पूरी इंटीग्रल प्रोटीन है। सो प्रोटीन भी आपको जो है ना वो समझ आ गई कि इंटीग्रल का मतलब पूरी मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई, या इनर साइड पर, या एक्सटर्नल साइड पर, या बिल्कुल ही पूरी धसी हुई, तीनों केस हो सकते हैं। मेन सिर्फ इतनी हो या इतनी हो या मुकम्मल हो। और पेरिफेरल कौन सी होती है? जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हो, अंदर धसी हुई ना हो। पेरिफेरल मीन सरफेस पे लगी हुई हो। सो प्रोटीन भी समझ आ, प्रोटीन कहां पर है? अब यहां पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है बच्चों? फ्लूइड मोज़ेक कहता है कि लिपिड की जो बाइलेयर है ये वाली फॉस्फोलिपिड, इट कैन मूव, ये मोबाइल है, इसके अंदर मूवमेंट होती है, लिपिड बाइलेयर मूव करती रहती है। फ्लूइड है ना, और फ्लूइड कौन होता है? जो फ्लो करता है। सो लिपिड की बाइलेयर फ्लो करती है मेम्ब्रेन के अंदर ही, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। और प्रोटीन्स भी अपनी पोजीशन हल्की फुल्की चेंज
करती रहती हैं। सो फ्लूइड का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कमेंट करें। फ्लूइड का मतलब सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स मूव करते हैं स्लाइटली, एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, तू आगे हो जा, इधर हो गए। सो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं ये फिक्स नहीं है, सख्त नहीं है सेल वॉल की तरह, फ्लेक्सिबल है, और ये वाले मॉलिक्यूल अपनी जगह से इधर उधर हिलते रहते हैं। सो तमाम लोग जल्दी से टुरगुड को भूल जाए और ये कमेंट करें कि लिपिड और प्रोटीन हिलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। इसी वजह से हमने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है, मेम्ब्रेन फ्लूइड है। जल्दी से कमेंट कर दें बच्चों, आपको ये चीज भूलेगी नहीं कभी। हरी अब कमेंट में लिखें, सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल प्रोटीन और लिपिड मूव करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, फ्लो करते हैं, दैट इज वाई मेम्ब्रेन नरम सी है, बहुत फ्लेक्सिबल है और फ्लूइड है। कभी भी इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा, आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन एक सख्त किस्म की है। सो ये जस्ट क्या है, एक फ्लेक्सिबल सी, एक नरम सी चीज है जिसके मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन हरकत करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से कर दें, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन की जो चीजें हैं ये हरकत करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं, सो इट इज फ्लूइड। मोज़ेक का मतलब क्या है, मोज़ेक का मतलब एक खीर है, खीर के ऊपर बादाम रखे हुए हैं आपने, ये कहते हैं जी मोज़ेक। जैसे आप खीर खाते हैं ना, तो ये लिपिड की बाइलेयर है ऐसे शीट की फॉर्म में, और बीच में आपको जो है ना बादाम पड़े हुए नजर आ रहे हैं, मीन प्रोटीन नजर आ रही है। सो पूरी लिपिड की बाइलेयर में जगह जगह पर प्रोटीन पड़ी हुई है। दिस पैटर्न इज नोन एज मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न, जैसे आइसबर्ग्स पड़े हुए हो पानी के अंदर, खीर के अंदर बादाम पड़े हुए हो, बिरयानी के अंदर बोटियां धसी हुई हो, तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं मोज़ेक की हैं। बिरयानी के अंदर हर जगह तो बोटियां नहीं ना होती, थोड़े थोड़े फासले पे बोटियां होती हैं, तो लिपिड बायलेयर में भी थोड़े थोड़े फासले पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, मोज़ेक, मोज़ेक का नाम देते हैं। ओके, अब क्या रह गया, कार्बोहाइड्रेट रह गए। कार्बोहाइड्रेट ये सरफेस पे होते हैं, आउटर भी और इनर भी। इनमें दो तरह के हैं, ग्लाइकोलिपिड, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। वो कार्बोहाइड्रेट यहां देखें, ये देखें, ये लिपिड के हेड के साथ में एक कार्बोहाइड्रेट की चेन ड्रॉ की, ये कार्बोहाइड्रेट है सपोज, ये ग्लाइकोलिपिड बन गया। अब यहां पे देखें, ये मैंने एक चेन ड्रॉ की, ये चेन किसकी है जी, ये ग्लाइकोलिपिड की चेन है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है और ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, तो ये बन गई ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड में वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है बच्चों, वही कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन, ये देखें ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ना बड़ा सा, अगर इसके साथ कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोलिपिड भी हो गया और ग्लाइकोप्रोटीन भी हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ग्लाइकोलिपिड वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, देखें ये लिपिड के साथ, और ग्लाइकोप्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, देखें मैंने प्रोटीन के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट जोड़ के दिखाया, आउटर साइड पर भी और इनर साइड पर भी ये होंगे। ठीक है, ले जी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, आगे फिर हम इसके फंक्शंस की तरफ, ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों, कंपोजिशन समझ आ गया, स्ट्रक्चर समझ आ गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझ आ गया। ले जी, स्ट्रक्चर मैंने नहीं मिटाया, ठीक है, ताकि आपको दोबारा, बल्कि मिटा ही देते हैं क्योंकि अब आपको फंक्शंस के हवाले से समझाना है। ठीक है, ओके, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या था बच्चों, एमसीक्यू में याद कर, ठीक है, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो मैं आंसर नहीं लिख रहा, ऑप्शन नहीं लिख रहा, जस्ट आंसर लिख रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है जस्ट टू स्टेबलाइज लिपिड
बाय लेयर, ये नोट कर लें ताकि कभी एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको पता हो कि जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल बीच में पड़े हुए थे वो क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं लिपिड के बाय लेयर की। ओके हो गया, चलें जी अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। मेम्ब्रेन का काम होता है चीजों को सेल के अंदर लेके जाना और सेल से बाहर लेकर आना। मेन कोई भी चीज अगर सेल में दाखिल होगी तो वो मेम्ब्रेन से गुजर कर जाएगी, और कोई भी चीज सेल से बाहर आएगी तो मेम्ब्रेन में से गुजर कर ही आएगी। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक, और ये तमाम चीजों को दाखिल नहीं होने देती। बहुत कम चीजें हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस होने देती है, बाकी को क्रॉस होने नहीं देती। दैट इज वाई हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि यह सिर्फ थोड़ी सी चीजों को गुजरने देगी, बाकी चीजों को यह गुजरने नहीं देगी। अब जो चीजें गुजर सकती हैं वो कौन कौन से तरीकों को इख्तियार करके गुजर सकती हैं वो देखते हैं, ठीक है। ले जी, व्हाट इज ग्लाइको, अच्छा ये जो ग्लाइकोलेक्स होता है, अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बना के दिखाए थे। कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़े होते हैं और कुछ प्रोटीन के साथ। ये जो कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर बनती है सेल की सरफेस पे, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकोलेक्स। अच्छा जी अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो बच्चों दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक में एटीपी खर्च होते हैं विद एटीपी, और एक में एटीपी खर्च नहीं होते विदाउट एटीपी। दूसरी में खर्च होते हैं जिसको हम कहेंगे विद एटीपी। एटीपी के बगैर कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट होती हैं और एटीपी के साथ कौन कौन सी होती हैं। एटीपी के बगैर जो ट्रांसपोर्ट होती है उनमें सबसे पहली ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो खुद ब खुद होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और नंबर टू फैसी। अच्छा बच्चों को अभी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशन बिल्कुल नहीं है, जब मैंने कहा था ना क्वेश्चन पूछे उसी टाइम क्वेश्चन पूछा करें, आप एंड पे क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है, ताकि मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दें। नो क्वेश्चन फिलहाल, आप लोग एंड पे, ताकि ना एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम चलें ठीक है। ले जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और उसके साथ साथ ऑस्मोसिस होती है जो कि बगैर एटीपी के ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन हाई टू लो कंसंट्रेशन है, फैसिलिटेटेड भी हाई टू लो है, और ऑस्मोसिस जो होती है ये स्पेशली पानी की ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन कौन सी चीजें खुद ब खुद डिफ्यूज हो सकती हैं। वो चीजें जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, वो खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन के खुद ब खुद ही, उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर या सेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ढीट होती हैं ठीक है, वो खुद ब खुद जो है ना वो नहीं आ रही होती, उनको भी हम देख लेते हैं। सो डिफ्यूजन आमतौर पर गैसेस की हो जाती है, और जो न्यूट्रल क्या नाम है चीजें होती हैं उनकी डिफ्यूजन आसानी से हो जाती है। फैसिलिटेटेड उनकी होती है जो खुद ब खुद नहीं जा पा रही होती, उनको कोई धक्का चाहिए होता है। सो ये प्रोटीन्स के जरिए होती है, वो जो आपको मैंने प्रोटीन समझाई थी ना, ये प्रोटीन के जरिए होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो मैं लिखूंगा विया प्रोटीन्स। दो किस्म की प्रोटीन्स इनका काम आसान करती हैं, एक को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन और दूसरों को हम कहते हैं जी कैरियर प्रोटीन। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं दोनों किस्म की प्रोटीन। अगर बच्चों ये एक मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, अब मैं पूरी बाइलेयर नहीं बना रहा, टाइम कम है, यहां पे एक प्रोटीन इस तरह से पड़ी हुई होगी, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन के बीच में ना एक रास्ता होगा, ये प्रोटीन पड़ी हुई है, प्रोटीन के बीच में एक रास्ता है, ये जो प्रोटीन के बीच में एक रास्ता है यहां से कोई चीज एंटर हो सकती है, ये चैनल है,
इस प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहेंगे। ये देखिए, इसके दरमियान में एक रास्ता है, एक कॉरिडोर है, एक है जी, एक कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के जरिए मॉलिक्यूल्स या जो चीजें हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, चैनल प्रोटीन्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। इनमें आयंस वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो चैनल प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। मैं लिख देता हूँ, आयंस वगैरह इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं चैनल प्रोटीन के जरिए। इनको गेट्स भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, नर्व इम्पल्स याद है ना बच्चों, नर्व इम्पल्स के अंदर आपने सोडियम गेट्स पढ़े थे, सोडियम गेट्स पढ़े थे। वो सोडियम गेट्स सोडियम को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवा रहे थे। वो ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन के जरिए होती है, इसको गेट्स भी कहते हैं। दूसरी नंबर पे कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं? कैरियर प्रोटीन्स इस तरह से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, इनके दरमियान एक स्पेशल तरीका होता है इनके पास मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का, कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इधर आता है और वो कहता है मुझे अपने अंदर से ट्रांसफर करो, अंदर लेके जाओ, तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर ना चेंज लेकर आते हैं। ये अपने साथ बाइंड करके चैनल प्रोटीन अपने अंदर चेंज लेकर आता है। अब ये मॉलिक्यूल इधर से उठकर इधर चला गया और देखते ही देखते ये अंदर चला जाएगा। इस तरह की प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन कहते हैं, और ये कैरियर प्रोटीन फैटी एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल होती हैं। फैटी एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और इसमें भी किसी किस्म की बच्चों एनर्जी खर्च नहीं होती है। ये देखें, ये मैं इसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, आप साफ फरमाए रिपीट कर दें। जब कोई मॉलिक्यूल यहाँ आके लगता है तो ये प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर में तब्दीली लेकर आती है, और तब्दीली लेके आने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इस प्रोटीन में से गुजर के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर प्रोटीन। ये फैटी एसिड्स को, ये एफ ए का मतलब फैटी एसिड्स है और ए ए का मतलब अमाइनो एसिड्स है। इन दोनों को कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑस्मोसिस जो होती है आपको पता है ये पानी के लिए होती है, ये किसके लिए होती है, पानी के लिए। पानी जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो वो ऑस्मोसिस कहलाती है। अगर पानी अंदर जा रहा है तो एंडोस्मोसिस, पानी अगर बाहर आ रहा है तो एक्सोस्मोसिस। इसका मतलब पानी इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। और कौन कौन मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, एमसीक्यू के तौर पर देखते हैं। एमसीक्यू यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली, कौन कौन इजीली क्रॉस कर सकते हैं। आपके पास पहली ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरी ऑप्शन है आपके पास लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आयंस कह ले, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी। सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज, लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल्स या आयंस में से कौन बच्चों इजीली क्रॉस कर जाता है? देखो, जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात इंशाल्लाह एंड पे मैं दे दूंगा, ताकि बीच में से ना, क्योंकि 50 बच्चे लेक्चर ले रहे हैं, एक दो को अगर प्रॉब्लम है तो वह एंड पे सॉल्व हो जाएंगी। कौन क्रॉस करता है इसका जवाब दें जल्दी से, जो लेक्चर ले रहे हैं ये जल्दी से जवाब दें। हरी अप स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो ए एंड बी यानी ग्लूकोज, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, और लिपिड सोलोबल भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं। क्यों भला? क्योंकि मेम्ब्रेन बनी लिपिड्स की हुई है, मेम्ब्रेन जब बनी ही लिपिड्स की हुई है तो लिपिड्स को क्रॉस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, लिपिड्स को क्रॉस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आयंस के ऊपर क्योंकि चार्ज होता है, चार्ज होने की वजह से ये मुश्किल से क्रॉस होंगे, तो इनके लिए स्पेशल प्रोटीन्स होंगी जिनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एक और एमसीक्यू आपके लिए यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स
आर द कंपोनेंट्स ऑफ आपके पास ऑप्शन नंबर अल्फा है इंटीग्रल प्रोटीन्स, आपके पास बीटा है पेरिफेरल प्रोटीन्स, आपके पास चार्ली है बोथ ए एंड बी, और आपके पास डेल्टा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो आपको मैंने चैनल और प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन मेम्ब्रेन में बना के दिखाई हैं, जो आयंस को और एसिड्स को मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं, तो मुझे बताओ बच्चों ये पेरिफेरल हैं या इंटीग्रल हैं या दोनों हो सकती हैं या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। हाँ जी, वेरी गुड, दोनों इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। चैनल प्रोटीन भी बच्चों इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं और कैरियर भी इंटीग्रल है। चैनल के अंदर एक कॉरिडोर होती है, उसमें से चीजें क्रॉस हो जाती हैं, और कैरियर प्रोटीन जो होती है मैं लिख देता हूं, दे चेंज, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, दे अंडरगो चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर लिख लें कि कैरियर प्रोटीन किस तरह चीजों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेकर आती हैं और उससे चीज ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अभी मैं आपको इसकी HD डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी ट्रांसपोर्ट समझा दूं जो ATP के साथ होती है। ATP के साथ जो ट्रांसपोर्ट होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होती है, ये पंप्स के जरिए होती है। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी, सोडियम पोटाशियम पंप, जो सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवा रहे हैं, यानी कि अपहिल मूवमेंट। अपहिल का मतलब है लो टू हाई। मसलन अगर सेल के बाहर किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर से अंदर लेकर आने वाली जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अंदर से बाहर लेके जाने वाली, जबरदस्ती लेकर जा रही है, पहले ही बाहर ज्यादा और ज्यादा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये काम धक्के से होगा, और वो धक्का कौन देगा, वो एनर्जी देगी, एनर्जी कहां से आएगी, ATP से। इसी तरह अगर किसी की बाहर कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज्यादा है, तो उसको धक्के से पंप्स के जरिए अंदर लाया जाएगा, पंप के जरिए धक्के से अंदर लाया जाएगा, और धक्का कौन देगा, ATP। इसलिए इसको आप हिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है कोई, उसमें एनर्जी लग रही है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं साइटोसिस दो तरह की आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मेरे ख्याल है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंडोसाइटोसिस और नंबर टू एक्सोसाइटोसिस। एंडो की मजीद दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इनको एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि इनका MCQ लिख दिया जाए। इन सब के अंदर एनर्जी खर्च होती है, ये सारी जो है ना ये बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है साइटोसिस। बल्क का मतलब सुन ले बच्चों, जब कोई बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सेल के अंदर या सेल से बाहर लानी होती हैं, तो उसको कहते हैं बल्क। बल्क मीन बड़ा, बड़ी चीजें जब ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उसमें साइटोसिस का अमल होता है। अगर बाहर लेके आनी हो चीज तो एक्सोसाइटोसिस, अंदर लेके जानी हो तो एंडो। आपसे MCQ में पूछता हूं, सेल वॉमिटिंग इज कॉल्ड, आपके पास ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, उसके बाद पिनोसाइटोसिस, और डी है आपके पास एक्सोसाइटोसिस। डेल्टा आपके पास क्या, एक्सो। सेल वॉमिटिंग इनमें से क्या कहलाएगी? हाँ जी बच्चों, ध्यान से इस पे जो है फोकस कर लें और MCQs को सॉल्व कर लें। सेल वॉमिटिंग इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी, यानी अगर सेल वॉमिट कर रहा है, मीन चीजें बाहर फेंक,
थैंक यू जा रहा है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑप्शन होगा। अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं और मैं स्टेटमेंट में लिखूं सेल ईटिंग इज नोन एज, अब क्या आंसर होगा? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, अब आंसर होगा फैगोसाइटोसिस, बीटा। ईटिंग का मतलब सॉलिड पार्टिकल जब इनटेक होते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूं सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या बनेगा? पिनोसाइटोसिस। तो इस तरह से आपको इसमें से एमसीक्यूज आने चाहिए। और ये काम किस तरह से होता है? अगर ये एक सेल है तो किसी मॉलिक्यूल ने सेल के अंदर एंटर होना है, तो मेम्ब्रेन अंदर की जानेब इस तरह से फ्यूज होती है, मॉलिक्यूल अंदर आ गया और वैक्यूल बनकर ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है। और जब इसने बाहर जाना होता है एक्सोसाइटोसिस, तो यही मेम्ब्रेन वापस इसका हिस्सा बन जाती है और फिर मॉलिक्यूल को बाहर फेंक देती है और ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। सो एंडो और एक्सो मेम्ब्रेन के जरिए जो है ना, मेम्ब्रेन का अपना हिस्सा उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको समझा दी। अब बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। अगर यही सेल है तो मैंने कहा था कुछ ना कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं, अगर वो प्रोटीन के पार्ट के साथ लगे हों तो हम उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर वो लिपिड के साथ लगे हुए हों तो इनको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इनका फंक्शन क्या है? जो सेल की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स लगे होते हैं ना बच्चों, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल सिग्नलिंग है। ये नम्स का टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, एमडी कैट वालों को यह समझने की जरूरत नहीं है। सेल सिग्नलिंग ये किसका टॉपिक है? नम्स का है, ए लेवल्स की बुक से आपको मिल जाएगा। यानी सेल ने जब सिग्नल भेजना होता है तो वो अपनी सरफेस पे लगी हुई इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की मदद से भेजता है। मीन अगर इस सेल ने किसी का सिग्नल रिसीव करना है, मसलन एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, मैंने उसको उस वक्त जवाब नहीं दिया कि वायरस कैसे एंटर होता है, वायरस एंटर होने के लिए सेल की सरफेस पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह के बने होते हैं, तो वायरस पहले इन रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड होता है और फिर उसको जो है ना वो अंदर एंट्री मिलती है। सो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह की शक्ल में ही होते हैं। उसके अलावा आपने अगर याद हो न्यूरॉन्स के अंदर आपने एक फिनोमिना पढ़ा, ये न्यूरॉन है, ये देखें ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगा सैनैप्स। ये जो सैनैप्स होता है, ये सैनैप्स है, ये जो गैप है ना दो न्यूरॉन्स के दरमियान, इसको सैनैप्स कहते हैं। यहां से आपने पढ़ा था कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो अगली वाली मेम्ब्रेन पे जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं कि आप अपनी न्यूरॉन के अंदर भी चार्जेस को रिवर्स करके नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करें। सो ये ट्रांसमिशन कैसे हुई थी याद है आपको? सिग्नलिंग के जरिए हुई थी। इस न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजा है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सो सबसे मशहूर एग्जाम्पल सिग्नल्स की कौन कौन सी हैं? सबसे मशहूर एग्जाम्पल हार्मोन्स हैं जो किसी सेल को जाके सिग्नल देते हैं और उससे काम लेते हैं। जैसे इंसुलिन है, वो सेल को जाकर कहता है भाईजान ग्लूकोज को कम करना शुरू करो, या तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो या उसको यूटिलाइज करो। और नंबर टू बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूरोट्रांसमीटर सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों आपने एफएससी में पढ़े में वक्तन फुक्तन आते रहेंगे, हम उनको डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल सिग्नलिंग में मैंने आपको यह समझाया कि सिग्नल्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स ऑफ सिग्नल हार्मोन्स की शक्ल में दिया जा सकता है, ठीक है। इंसुलिन की मैंने एग्जांपल दी, इंसुलिन
जहाँ के सेल्स को सिग्नल देता है कि आप ग्लूकोज के साथ मेटाबॉलिज्म करें, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करें, या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए सिग्नल भेजता है कि आप भी अपने अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट कर लें। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। एक सेल किसी को पहचानता है, ठीक है जी, पहचानता है, रिकग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल। एक सेल ने किसी को मैसेज भेजना है, जैसे हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, जब हम टेक्स्ट कर देते हैं तो मैसेज चला जाता है। तो सेल अगर किसी को मैसेज भेजना चाहता है तो वो सिग्नल के जरिए भेजेगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग, ठीक है। एमडी कैट और नम्स में डिफरेंस आपको मैंने पहले कल भी बताया, आप दोनों के सिलेबस डाउनलोड कर लें और देखें, थोड़ा थोड़ा सा उनमें फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। सो सिर्फ ये वाला टॉपिक था सेल सिग्नलिंग का, जो कि एमडी कैट में नहीं है, ये सिर्फ नम्स में है, ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी जितना पढ़ा है मेम्ब्रेन का सारा डिटेल स्ट्रक्चर, ये नम्स में भी है, एमडी कैट में भी है, ओके, ये स्पेशल लम्स में है। सो सिग्नलिंग के हवाले से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है या इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम ख़त्म होने वाला है, फिर आप लोगों के टेस्ट भी, आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ठीक है जी। तो सिग्नलिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल मैंने आपको इस एग्जांपल बताई है। जब एक सेल किसी दूसरे सेल को मैसेज भेजता है तो वो सिग्नल भेजता है, ठीक है जी, सिग्नल भेजता है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो आपने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर के अंदर। सबसे पहले स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस डिटेक्ट होता है रिसेप्टर के जरिए, और रिसेप्टर के बाद फिर वो कोऑर्डिनेट होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर आगे सिग्नल भेजता है इफेक्टर के पास, और इफेक्टर जो है वो आगे रिस्पांस देता है। ये पढ़ा है ना आपने। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रिसेप्टर से प्रोसेसर तक सिग्नल कैसे जाएगा, तो जवाब है वो सिग्नल या तो हार्मोन के जरिए जाएगा या न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए जाएगा। अब दूसरा सवाल है, प्रोसेसर के जरिए जो इफेक्टर तक सिग्नल जा रहा है वो कैसे जाएगा। बचपन में पढ़ा ना, प्रोसेसर इफेक्टर तक सिग्नल भेजेगा, भाई कैसे भेजेगा, वो या तो हार्मोन्स का ये काम लगाएगा या वो न्यूरोट्रांसमीटर का ये काम लगाएगा, और फिर उस सिग्नल को इफेक्टर तक भेजेगा ताकि इफेक्टर के अंदर एक रिस्पांस पैदा हो। सो ये मैकेनिज्म है, ये पूरा एक लेआउट है कि सेल सिग्नलिंग किस तरह से होती है। स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जाता है, जो रिसेप्टर करता है वो एक सिग्नल भेजता है हार्मोन की शक्ल में या न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में प्रोसेसर को कि ये चेंज आया है। वो अपनी चेंज को डिपिक्ट भी या एलोबरेट भी सिग्नल के जरिए कर रहा होता है, इशारे नहीं कर रहा होता, हम तो इशारे कर देते हैं ना, ये इशारे नहीं कर रहा होता, वो इशारे के बजाय प्रॉपर हार्मोन या ट्रांसमीटर भेजता है जो सिग्नल का काम करता है। इसी तरह प्रोसेसर इफेक्टर को इशारे नहीं करता, सिग्नल भेजता है। तो ये प्रोसेसर भी सेल होता है, रिसेप्टर भी सेल होते हैं, इफेक्टर भी सेल होते हैं। सो इस सेल तक सिग्नल कैसे जाएगा, बाय सिग्नलिंग, बाय दीज सिग्नल्स, और इस सेल से इफेक्टर वाले सेल तक किस तरह से जाएगा। सो ये सारा जो है क्या नाम है, इफेक्टर है, ठीक है। लेजिए मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देने लगा हूं, स्टूडेंट जरा फोकस करें। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स में यूज होते हैं, वो हम नर्व इंपल्स के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो ट्रांसमीटर जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज या सिग्नल लेके जाता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। लिपिड्स टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, सो हाउ ऑस्मोसिस टेक प्लेस। बेटे ऑस्मोसिस के लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं, वाटर के लिए स्पेशल चैनल्स होते हैं जिनसे ये पूरा, तो मैं अभी आपको एक पिक्चर भी इसकी शो करवा देता हूँ। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होती हैं जो इंटीग्रेट हुई होती हैं, पूरी धंसी होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन कर लें, मैं आपकी वो पिक्चर जो है वो लेके आता हूँ।
हाँ जी, कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ हार्मोन? हार्मोन की कई एग्जांपल हैं बेटे, हार्मोन वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स में आपके पास सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है, ग्लूकागोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये पता नहीं कितने हार्मोन है, ये सारे इसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भाई बच्चों कल डिस्कस करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला टॉपिक आज के टॉपिक का पार्ट नहीं था, वो कल के टॉपिक का पार्ट है, सो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हार्मोन की मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन मैंने बता दी, जो मेम्ब्रेन के अंदर पूरी धंसी हुई होगी, पूरी धंसी हुई होगी। मसलन आपने बिरयानी पकाई है, बोटियां नजर ही नहीं आ रही, अंदर धंसी हुई है, वो इंटीग्रल है, और जो ऊपर ऊपर पड़ी हुई है वो पेरिफेरल है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ट्रांसपोर्ट की एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, उस पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि किस तरह डिफ्यूजन होती है, किस तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और किस तरह जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, पंप्स किस तरह से काम करते हैं। हाँ जी बच्चों, तस्वीर आई है आपको, शो हुई है, बताएं जरा जल्दी से। हाँ जी बच्चों, ये आपके सामने एक तस्वीर शो हुई है या नहीं, कमेंट करके बता दें जरा जल्दी से। इस पिक्चर में आपको सबसे उस तरफ मेरे ख्याल है ये कौन सी साइड बनेगी, लेफ्ट साइड, जी बिल्कुल, सबसे लेफ्ट साइड पर आपको जो है आपको डिफ्यूजन नजर आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास, सेल सिग्नलिंग ना हो तो क्या हो, आपकी लाइफ ही एग्जिस्ट ना करे। देखें, आप जब किसी को देखते हैं वो सिग्नल जाता है दिमाग तक, फिर आपको वो चीज नजर आती है। सेल सिग्नलिंग ना हो तो ना नजर आए, ना आप सुन सके, ना देख सके, कुछ भी ना हो। आपको पता है सेल सिग्नलिंग का, आप बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे कान में कोई चीज है जो मैं सुनता हूँ, मुझे तब तक सुनाई नहीं देगी जब तक इस रिसेप्टर से वो लहरें मैसेज की फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में नर्वस सिस्टम तक ना पहुंच जाए। सो सिग्नलिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्लियर। गेट्स एम्बेडेड होते हैं, गेट्स आर नॉट एम्बेडेड, ये आप गलत लिख रहे हैं, गेट्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, मुकम्मल तौर पर। ले जी, सबसे लेफ्ट पे आपको सिंपल प्रोसेस नजर आ रहा है, मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर से डिफ्यूज हो गए। सेकेंड जो डायग्राम है वो आपको चैनल प्रोटीन की फॉर्म में नजर आ रही है, चैनल प्रोटीन के दरमियान में एक रास्ता है, कॉरिडोर है, उसके जरिए मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर अंदर एंटर हो रहे हैं। थर्ड डायग्राम में आपको कैरियर प्रोटीन जो है वो नजर आ रही, देखें कैरियर प्रोटीन अपनी शेप चेंज करती है, जब उसके ऊपर आके मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो अपनी शेप चेंज करती है और फिर वो मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो जाता है। कैरियर और चैनल दोनों प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आती हैं, और डिफ्यूजन दोनों किस्म की, सिंपल और फैसिलिटेटेड, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में। वेरी राइट साइड पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो नजर आ रही है, आपके सामने एक पर्पल कलर का पंप है, ये पंप एटीपी को यूज करके देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो डब्बे शेप के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के बॉक्स वाले मॉलिक्यूल, ये सेल के बाहर दो हैं और सेल के अंदर चार हैं, मजीद बाहर से अंदर की तरफ लो टू हाई लेके जाया जा रहा है और ये जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एटीपी, और ये पंप आपको दिखाया जा रहा है, पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आता है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये डायग्राम्स आपको मजीद ट्रांसपोर्ट क्लियर कर देगी। इसमें मैंने आपको चारों जो है, इसमें ऑस्मोसिस भी गेट्स के जरिए हो जाती है, कोई जो है वो मसला नहीं होता, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटाशियम पंप सबसे मशहूर एग्जांपल है। ले जी, इस तस्वीर को गायब कर दें, फिर क्या ख्याल है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका जल्दी से, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट के एमसीक्यूज के जवाब पे क्लिक करें और जल्दी से सॉल्व कर लें, साथ साथ आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ वो जो है रिफ्रेश करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, रिफ्रेश करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ campus.pk पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को शो हो रहा है, स्क्रीन पर टेस्ट शो होता है जिसमें चार ऑप्शंस आपको दी गई होती हैं, आपने करेक्ट आंसर जो है वो टिक करना होता है।
चलें जी। जिनका टेस्ट शो नहीं हुआ बच्चों, वो रिफ्रेश करें पेज को और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। ठीक है जी, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। जिनका टेस्ट शो नहीं हुआ वो मुझसे कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, चलें जी, ये टेस्ट आप सॉल्व कर लें, आसान सा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।